दोस्तों इस समय हम लोग हैं बुर्ज खलीफा पे फायर शो देखने आए हैं न्यू ईयर का। यहाँ काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों बुर्ज खलीफा के फायर शो को 31st की नाइट को देखने के लिए आपको U/MR करके एक ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी पासपोर्ट की डिटेल, आपकी कंट्री, एवरीथिंग आपको फिलअप करनी पड़ेगी और उनके गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक ओपन कोड जनरेट होगा जिसको आपको यहाँ स्कैन करना पड़ेगा जिससे आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, अगर आप यहाँ रात को 12 बजे देखना चाहते हैं फायर शो तो आपको कम से कम 6-7 बजे तक तो यहाँ आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं ही जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास टिकट है लेकिन फिर भी अंदर फुल हो चुका है तो हम लोग बाहर ही खड़े हुए हैं। तो अगर आप 6-7 बजे निकलते हैं, आप खाने पीने के सामान लेके आएँ और यहीं 3-4 घंटे रेस्ट करें और इंतज़ार करें, तभी आप बाहर देख सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे अच्छा जोन कौन सा है, आपको जोन सेलेक्ट करना हो बुर्ज खलीफा का फायर शो बुक करने के लिए, तो सबसे अच्छा जोन है जोन 12 और जोन 13। वो टाइम आ गया है कि 12 बजने वाला है और काउंट डाउन स्टार्ट होने वाला है। अब आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।
हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड जिसमें हम लोगों ने देखा कि कितना अच्छा फायर शो दुबई बुर्ज खलीफा पे हो रहा था। दोस्तों अब आती है वर्डिक्ट की बारी, तो वर्डिक्ट की बात करूं दोस्तों तो मुझे पर्सनली काफी मजा आया, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपके साथ फैमिली है तो इस चीज को अवॉइड करिए, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। शाम को 6 बजे से आपको लाइन लगानी पड़ेगी, तब आप कहीं उस एरिया में पहुंच सकते हैं जिस एरिया में फाउंटेन शो होता है, तो वहां पे भी आप जमीन पे बैठ के देख सकते हैं और काफी भीड़ होती है। हम लोग 11 बजे निकले थे घर से तो अंदर तक जा ही नहीं पाए, और इसलिए मैं बोलूंगा आपसे कि अगर आप रेस्टोरेंट से या होटल से कहीं से भी आपको बुर्ज खलीफा का फायर शो दिख रहा है तो आप प्लीज वहां से देखिए, नहीं तो बुर्ज खलीफा के आसपास जो होटल्स हैं दुबई मॉल के प्रीमाइसेस में जो थोड़े महंगे हैं वहां पे आप टिकट ले लीजिए, वहां पे जाके आराम से देखिए, क्योंकि इस भीड़ में बैठ के देखना बहुत टफ है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है, यकीन मानिए। तो ये था मेरा वर्डिक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसा इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट से या अपने होटल से ही जितना भी हो सकता है देखें, एक बार ही देखने वाली चीज है, लेकिन हाँ अच्छी है, एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू।